मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। नया मामला मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा न्यू मनोज निवास से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर का ड्राइवर है, जिसकी तबीयत पिछले 3 से 4 दिन से ख़राब चल रही थी और इससे कलवा शिवाजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर उसके बाद उसे थाने के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। मगर अब इस व्यक्ति की जो रिपोर्ट सामने आई है वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से आज थाने महानगर पालिका के डॉक्टरों और अधिकारियों की एक टीम ठाकुरपाड़ा के न्यू मनोज निवास इमारत पहुंची और इस इमारत को सील कर दिया। इस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के 4 सदस्यों को डॉक्टरों की टीम अपने साथ ले गई और थाने में इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। मगर एक बात आपको बता दें कि मुंब्रा कोरोना मुक्त था। आखिर मुंब्रा में कोरोना फैला कैसे, आखिर कौन है वो जो मुंब्रा में कोरोना पहुंचाया है? यहां तक कि मुंब्रा के पुलिस अधिकारी भी इस कोरोना से नहीं बच सके। कुछ लोगों का कहना है कि मुंब्रा में जो तबलीगी जमात आई थी उसकी वजह से संक्रमण फैला है, मगर अहम बात यह है कि सभी जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो फिर आखिर मुंब्रा में पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक कोरोना का संक्रमण किसने फैलाया? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर मुंब्रा शहर में कोरोना वायरस किसने फैलाया, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? शासन प्रशासन को इस पर जांच करने की ज़रूरत है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।